हमारी एक मीटिंग जयपुर में हो रही थी, तब भी वहां पे भी 5-6 लोग ऐसे मिल गए थे जो निरंतर बाजरा खा रहे हैं, जो उनको विश्वास नहीं होता। गांव में लोग नहीं खाते है ना, हमारे गांव में लोगों ने बाजरा खाना छोड़ के गेहूं खाना शुरू कर रखा है, चावल खा लेंगे लेकिन बाजरा नहीं खाते। दो कारण है, एक तो बाजरा जल्दी खराब हो जाता है, आटा पीसो भी जल्दी खराब हो जाता है ना, और दूसरा क्या होता है, जोर आता है बनाने में, बनाने नहीं आता। सबसे बड़ा कारण तो यही है ना, कौन बनाए बाजरा, वो बनाना शुरू करते टूट जाता है ना, तो मेहनत ज्यादा है भी, कहने का मतलब मेहनत ज्यादा है। अब मेहनत आजकल जो ठीक है, घी खाना लोगों ने बंद कर दिया। एक गलत फहमी है कि घी खाने से आदमी मोटा हो जाता है ना, ऐसा नहीं है। देसी घी खाओगे, खाना बहुत जरूरी होता है, अपने जोड़ों को मजबूत करने के लिए हमेशा घी खाना चाहिए। मैं तो कोशिश करता हूँ घी खाने की हमेशा, है ना, तो घी खाना से कभी नुकसान नहीं होता, नुकसान जो होता है गलत खाने से होता है, बीपी नहीं होता। घी ज्यादा मत खाना, तो लिमिटेड, ऐसा नहीं बोला कि आप आधा किलो का वो लिया और पी गए, ऐसा नहीं है, लेकिन लिमिट में खाना बीपी वो सॉरी देसी घी अच्छा रहता है। हाँ, रिफाइंड ऑयल मत खाओ, रिफाइंड ऑयल आता है ना जो, वो मत खाओ। सरसों का तेल इस्तेमाल करो, देसी घी इस्तेमाल करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा मत खाने, ज्यादा कुछ भी खाओगे नुकसानदायक करेगा। तो ये सब चीज को डेवलप करने के लिए हमने कोशिश की, युवा जागृति संस्थान में गोकुल जी है हमारे साथ में, इनके साथ मिलकर हमने कोशिश की कि महिलाओं को ऐसी कुछ प्रोसेसिंग की काम सिखाएं ताकि बाजरे को लोग खाना शुरू कर दें और साथ ही साथ आपकी आमदनी बढ़े। घर बैठे आप काम कर सकते हो। दादाजी और सुनीता जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और मुझे बहुत खुशी होती है कि इनकी वजह से मुझे हमेशा सम्मानित फील होता है कि मैं हम यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, तो सबसे पहली बात तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा होगा डेफिनेटली, और साथ ही साथ ये सबसे जरूरी काम जो सामाजिक काम कर रहे हैं कि यहाँ पे आसपास लोगों को सिखा रहे हैं कि बाजरा कितना अच्छा होता है ना, बाजरा खाना क्यों जरूरी है सिखा रहे हैं। तो अब क्या है कि बहुत सारी समस्याएं आई थी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, क्या बनाए, सिर्फ कुकीज बना के लड्डू बना के काम नहीं चलेगा, तो हमारे पास वैरायटी चाहिए। वैरायटी मिलेगी तो बच्चा खाने की कोशिश करेंगे। अब बाजरे का लड्डू किसी बच्चे को दोगे तो बच्चा नहीं खाएगा, खाता है क्या, मतलब बहुत कम, मैं देखो बहुत कम है। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा, आप आज लड्डू रख दोगे और टूटे रख दो क्या खाएगा, ना तो अच्छी बात है, ये धीरे धीरे कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चे नॉर्मली नहीं खाते, मेरे बच्चे नहीं खा रहे, दिक्कत ये है ना, तो है ना, वो तो गेहूं के भी नहीं खाते है ना, वो कौन क्या बोलते हैं, हमारे घर में बनाए थे वो लड्डू, तो गोंद के लड्डू बनाए, सिर्फ मैं ही खाता हूँ, कोई नहीं खाता, मेरा सुबह का नाश्ता वही है, गोंद के लड्डू और दूध है ना, मैं तो वही खाना अपना रहा हूँ अभी भी, सुबह सुबह का नाश्ता मेरा वही रहता है, तो मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरे अलावा घर में कोई नहीं खाता, ना मेरी वाइफ खाती ना मेरे बच्चे खाते है ना, तो लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग, मैं यहाँ से एक बार लड्डू लेके आऊँ तो खिलाने की कोशिश करता हूँ, तो अभी नहीं सीख रहे, लेकिन अगर हम लोग और वैरायटी करेंगे और नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि कैसे हो, जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे पिज्जा है, कुरकुरे हैं, नमकीन है, जो बाकी चीजों की बन रही, मैदा की बनती है, वही चीज अगर बाजरे की बनना शुरू हो जाए तो क्या पता बच्चों की हैबिट जो है चेंज हो और वो खाना शुरू कर दें। तो ये हमारी कोशिश है कि ऐसा आपको ट्रेनिंग दी जाए जिसमें महिलाएं ये चीज सीखें कि ये चीज कैसे बन सकती है। आपको घर में फायदा होगा कि बच्चों को भी खिला पाओगे और अपनी काम आमदनी बढ़ा सकते हो। इसके लिए कुछ प्रयास ऐसे किए गए, जैसे गोकुल जी के साथ मिलकर हमने कोशिश की है, कुछ एक्सपर्ट ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो सिर्फ बाजरे की चीज बेचते हैं, जो कि पिज्जा बनता है उनका, और क्या क्या बनते हैं, पिज्जा बर्गर जो भी, कुरकुरे जो भी चीजें हैं वो बाजरे की बनाते हैं और लोग बहुत महंगा बिकता है, डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, लोगों में जानकारी बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, घर बैठे आपका सामान बिक जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोशिश की गई है, आपके लिए अच्छे एक्सपर्ट्स हायर किए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे, अभी तो राधा जी सुनीता जी काफी अच्छा काम कर रही है, आपको सिखा रही है, और बाहर से भी गोकुल जी ने प्रयास किए हैं कि बाहर से ऐसे एक्सपर्ट लोग और आए जो आपको और अच्छा काम सिखा पाए। तो मेरा आपसे बस एक निवेदन, आप मान लेना मेरा, जो भी काम आप सीखो ना वो निपुणता से सीखना, अच्छी तरीके से करना, क्योंकि बाजरा वैसे लोगों में कम इंटरेस्टेड है, लेकिन आप खूबसूरत बनाओगे तो कम से कम एक बार मन तो करेगा खाने का, है नहीं, तो सुंदर चीज का एक बार मन तो करता ही है ना, भले वो खराब हो, एक बार मन करे कम से कम खाना शुरू करे और वो चीज बिकना शुरू हो,
जितनी खूबसूरती से आप बनाओगे, जितनी खूबसूरती से पैक करोगे तो बिकने में आसानी होगी। तो जो काम सीखो, क्योंकि रेस्टोरेंट चल रहे हैं बहुत कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनका प्रेजेंट करने का तरीका, उनका जो सामने परोसने का तरीका काफी अच्छा होता होगा शायद, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। आप कैसे, मुझे पता कि 30 महिलाओं का बैच बना है, 90 महिला में लास्ट में 30-40 महिला ही काम करेंगी। अब वो 30-40 आप होंगी या कोई और होगा, वो आपको तय करना है या नहीं? अक्सर यही होता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तो आप भी कोशिश करना कि आप 30-40 महिलाओं में आओ जो ये काम सीख रही है, जिनको अलग अलग जगह जाने का मौका मिले और जो अपने परिवार में अपना कुछ आर्थिक योगदान दे पाए और अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं, सही खाने के बारे में बताएं, सही ज्ञान दें। तो ये खुशी होगी अगर आप लोग सब लोग काम करें। हमारे साथ आज एलडीएम साहब भी हैं जो पूरे अलवर जिले के बैंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे बैंक्स के सबसे बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे अलवर जिले के। तो देखते हैं, ये भी देखने आए हैं कि महिलाएं बाजरे पे कैसे काम कर सके, क्योंकि ये खुद गाँव से जुड़े हुए हैं, इनका बहुत एक्सपीरियंस भी है। और ये हमको, हम दोनों को यहाँ पे आके खुशी मिलती है कि यहाँ पे महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, युवा जागृति संस्थान बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो हमारी कोशिश नाबार्ड की रहती है या फिर बैंक्स की रहती है कोशिश कि कैसे आर्थिक रूप पे आपको सक्षम बनाया जा सके, वो पूरा हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोबारा जब आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको जब पूरा प्रशिक्षण हो जाएगा, तो जब सर्टिफिकेट मिलेंगे तो आप में से अधिकांश महिलाएं या सारी महिलाएं हाथ खड़ा करके बोले कि मैंने ये काम सीखा और मैं अकेली भी काम कर सकती हूँ। हालांकि हम चाहते हैं कि मिलके करो आप, तो मिलके ये सारे काम कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। ऐसा करोगे? धीरे बोल रहे हो, मजा नहीं आया थोड़ा। 500 से मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं है। 500 से तो कहिए चिंता मत करो, आपको बस आपको सिखाओ सारे काम हम कर लेंगे, क्योंकि महिलाओं से हमेशा उम्मीद ज्यादा रहती है। हम विश्वास से बोल सकते हैं कि महिलाओं को ट्रेनिंग दी तो महिलाएं निपुण होती है हर काम में। सुंदर काम करना हो तो महिला का नाम आगे आता है हमेशा। जो काम आप करना चाहो वो अच्छा करोगे, नहीं करना चाहो तो आप कोई नहीं करा सकता आपसे, है ना? तो नहीं, सीखो करो और हमें बहुत खुशी मिलेगी कि आप अपना योगदान दे पा रहे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एलडीएम साहब से।